आप सभी ने काफी टाइम पहले सुना होगा कि जियो है जो वाईफाई कॉलिंग है जो लॉन्च करने वाला है, लेकिन किसी रीजन बस उसने है जो इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया और एयरटेल सामने आया और इसने है जो लॉन्च करके दिखा भी दिया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वो वाईफाई कॉलिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, चाहे आपका शाओमी का, रेडमी का डिवाइस हो या OnePlus का हो या फिर लेने का है, कोई अदर क्यों ना हो, उसे एक्टिवेट कैसे करना है और यूज कैसे करना है और क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी इस फ्री के कॉलिंग के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये जो वाईफाई का कॉलिंग है इसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्टिवेट कैसे करना है मैं आपको इस पोस्ट के थ्रू समझाने वाला हूँ जो कि MIUI कम्युनिटी पे दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके हेडिंग पे डाला गया है कि पोको F1 और K20 का जो सीरीज है उन पे आपको जो वो वाईफाई कॉलिंग देखने को मिलेगा और मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर कि वो वाईफाई कॉलिंग है या नहीं है। अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ OnePlus, तो मैं आपको OnePlus में भी बताऊंगा और बाकी Redmi का अदर डिवाइस पे जिसपे सपोर्ट है और जिसपे नहीं है, ताकि आप खुद से चेक कर पाओ अपने स्मार्टफोन के अंदर। पहले समझते हैं कि वो वाईफाई कॉलिंग आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना होगा या देखा होगा, जब शुरू शुरू जियो लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्मार्टफोन थे जो किसी को सिर्फ LTE को सपोर्ट करते थे, VoLTE को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके लिए हमें जियो से कॉलिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती थी, तब जाके हम कॉल कर पाते थे। तो कुछ इसी तरीके से ये काम करता है। जैसे कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो जियो का, तो आप अगर ये जियो का ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो वाईफाई से इसे कनेक्ट करके आप कॉल कर पाओगे, लेकिन ये जो कॉलिंग का जितना भी डिटेल है वो काउंट हो जाएगा हमारा सिम पे जिसका वाईफाई हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाईफाई का वो कॉलिंग है इसमें आपका कोई भी डिटेल आपके सिम के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हुआ, कॉलिंग का जो भी आप बात करते हो या फिर जो भी आप यूज करते हो वो कॉलिंग की फीचर्स को। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड होगा आपके वाईफाई नेटवर्क पे। तो कुछ इस तरीके से आपका वो वाईफाई काम करेगा। कुछ कुछ आप समझ सकते हो जियो की 4G वॉइस टाइप का कॉलिंग, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और ये अभी फिलहाल एक्टिवेट है रेडमी के डिवाइसेस में, K20 प्रो, K20 और पोको F1 के अंदर, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, और OnePlus के अंदर भी। अब इसकी कंडीशन क्या है कि ये कैसे काम कर रहा है, इसे कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये अभी फिलहाल है जो इनेबल किया गया है दिल्ली में NCR में, जो कि एयरटेल के थ्रू किया गया है। अगर आप वहाँ पे रहने वाले हो या फिर आपके एरिया में ये आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन के अंदर एयरटेल का सिम रखना होगा जिसके अंदर 4G वोल्टिंग इनेबल होना चाहिए। दूसरा, आप जो वाईफाई यूज कर रहे हो वो आपका एयरटेल का होना चाहिए जिसपे वो वाईफाई एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद आती है बारी इसे एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पिक दिया हुआ है पहले मैं आपको सेटिंग्स में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स की ओर आना होगा, उसके बाद अपने जो सिम के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर है सिम का ऑप्शन, अगर आप ड्यूल सिम यूज कर रहे हो तो आपको एयरटेल का सेलेक्ट करना है क्योंकि एयरटेल पे ये फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो एयरटेल के ऑप्शन को आपको ओपन करना है। फर्स्ट आपका VoLTE इनेबल होना चाहिए, सेकेंड आपको देखने को मिलेगा वाईफाई कॉलिंग। ठीक है, तो इस वाईफाई कॉलिंग को अगर आपका ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन करोगे यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कॉल ओवर मोबाइल नेटवर्क, कॉल ओवर वाईफाई, इस वाईफाई को सिलेक्ट करना है, नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपकी सिम से कॉल जाएगी। तो जैसे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका जो यहाँ पे VoLTE का साइन दिखाई दे रहा है जो कि एयरटेल के सिम की वजह से, ये आपका डिसेबल होके आपके वाईफाई के साथ इंक्लूड हो जाएगा। अभी मेरा इंक्लूड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो वाईफाई यूज कर रहा हूँ वो जियो का है और मेरे एरिया में एयरटेल अभी वो वाईफाई एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो ये वाईफाई का जो VoLTE का साइन है ये रिमूव होके इस वाईफाई के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कॉल करोगे सब कुछ जो वाईफाई कॉलिंग से होगा, ना कि आपके सिम से। सेम चीज हम अगर देखते हैं अपने पोको F1 में या K20 के अंदर तो सेम चीज आपको देखने को मिल जाता है, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जियो का सिम यूज कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ। आते हैं यहाँ पे VoLTE इनेबल होना चाहिए, उसके बाद आपको ये ऑप्शन इनेबल कर लेना है जो कि मेक कॉल यूजिंग वाईफाई है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है तो इसे भी आपको जो वाईफाई भी सिलेक्ट करना है, मोबाइल नेटवर्क पे नहीं। उसके बाद सेम चीज़ होगी, VoLTE का आइकन रिमूव होके आपके वाईफाई के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कॉल करोगे आपकी वो वाईफाई यानी वाईफाई के थ्रू कॉल लगेगी। और यहाँ पे है मेरे पास Redmi का Note 7 Pro जिसमें ये फीचर्स नहीं है, तो आप अगर आते हो यहाँ पे सिम के ऊपर तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेक कॉल यूजिंग WLAN, जबकि यहाँ पे वाईफाई नहीं लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से Redmi Note 7 के अंदर ये फीचर्स आपको नहीं मिलता है, जबकि हमारे OnePlus और साथ ही साथ पोको F1 K20 के अंदर ये फीचर्स है जो मिल पाता है। तो सेम इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि आपके फ़ोन के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर अवेलेबल है तो आपको एयरटेल की सिम की जरूरत पड़ेगी जो कि 4G इनेबल होना चाहिए। दूसरा, एयरटेल का वाईफाई का जरूरत पड़ेगा जिसपे
वो वाईफाई एक्टिवेट होना चाहिए, उसके पास आप इजीली जो कॉलिंग कर पाओगे। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो आप मुझे बताना कि आपका डिवाइस वो वाईफाई को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है कमेंट सेशन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।